कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी ईशानी होती है उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुम किचन संभालो, मैं बाहर जाके सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो किचन में खड़ी होके किचन का सारा काम करने लग जाती है। कुछ देर तक हमारी ईशानी किचन में खड़ी होके ऐसे ही काम कर रही होती है। जो हमारी ईशानी होती है फिर उसका सारा काम खत्म वगैरह हो जाता है, फिर वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर जो ईशानी होती है वो सारे किचन को संभाल लेती है, संभाल के वो फिर रूम की तरफ जा रही होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो फिर रूम की तरफ जाने लग जाती है। तो हमारी ईशानी होती है वो रूम में आकर बैठ जाती है। अब आगे हमारी ईशानी किचन में काम करने की वजह से बहुत ज्यादा थक जाती है, वो फिर अपने रूम में आकर बैठ जाती है। बैठ के वो थोड़ी देर तक अपने बेडरूम में ऐसे ही बैठकर आराम करती रहती है। फिर जो हमारी ईशानी होती है काफी देर तक ऐसे रूम में बैठी होती है। फिर ईशानी बोलती है, बहुत ज्यादा आराम कर लिया, अभी उठो, उठ के रेडी हो जाऊं। कविता ने बुलाया है पार्क में, पता नहीं क्या बोल रही है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो बेड से उठती है और उठ के रेडी होने लग जाती है। कुछ देर तक हमारी ईशानी रेडी हो जाती है, फिर रेडी होके हमारी ईशानी खड़ी हो जाती है और फिर वो बोलती है, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, अभी जाऊँ। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो फिर रूम से बाहर जा रही होती है। रूम से बाहर जाके वो फिर अपनी मम्मी के पास चली जाती है। उसकी मम्मी उसको जैसे ही देखती है तो फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है, ईशानी तू इतना रेडी हो कि कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं यह साथ में जो पार्क है ना वहाँ पर जा रही हूँ। कविता ने मुझे पार्क में बुलाया है, पता नहीं क्या बोल रही है वह। ओके ईशानी बेटा, बट घर को फिर जल्दी आ जाना। ओके मम्मी मैं जल्दी आ जाऊंगी। जो हमारी ईशानी होती है वो अपनी मम्मी को ऐसा बोलती है, ऐसा बोल के फिर वो घर से बाहर जाने लग जाती है। ईशानी घर से बाहर जा रही होती है, फिर वो घर के बाहर निकल जाती है। कुछ देर तक हमारी ईशानी रोड पर ऐसे ही चलती रहती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो फाइनली पार्क में पहुंच जाती है और पार्क में वो हर जगह अपनी फ्रेंड लोगों को ढूंढती रहती है। कुछ देर तक वो पार्क में चलती है, ऐसे ही वो पार्क में घूम रही होती है, चलती है रहती है और अपनी फ्रेंड लोगों को ढूंढती रहती है। हर जगह वो ऐसे ही ढूंढ रही होती है अपनी फ्रेंड को, यानी अपनी फ्रेंड को ढूंढ ही रही होती है। उसके पास उसकी फ्रेंड आकर खड़ी हो जाती है और जो हमारी प्रीता होती है वो अपनी फ्रेंड से बात करने लग जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को बोलती है, हेलो कविता, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। पहले यह बताओ तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है और रिया लोग सब किधर हैं? हाँ हाँ बता रहे हैं, थोड़ा रुक तो जा तू, सब लोग इधर ही हैं, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ उनके पास। वह सब लोग तेरा कब से वेट कर रही है पता है तुझे? अच्छा वह सब लोग मेरा वेट कर रही हैं। चलो देखती हूँ क्या बोल रही है वह मुझे, जो मेरा इतना वेट कर रही है सब लोग। ऐसा बोल के फिर जो ईशानी और उसकी साथ में फ्रेंड होती है वो दोनों फिर वहाँ से जा रही होती है। जो हमारी ईशानी होती है वो फिर ऐसे चलती है, चल के वो अपनी फ्रेंड लोगों के पास, अपनी फ्रेंड लोगों के पास जाके वो खड़ी हो जाती है। जो ईशानी की फ्रेंड होती है वो ईशानी को बोलने लगती है, ईशानी तुझे पता है हम कब से यहाँ पर खड़े होकर तेरा वेट कर रहे हैं? अच्छा मेरा वेट क्यों कर रही हो तुम लोग? क्या बात है जो तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही इमरजेंसी में बुलाया है यहाँ पर? सच में तुझे नहीं पता है कि हम लोगों ने तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? हाँ बाबा मुझे नहीं पता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछी बताओ? यार बुद्धू तुझे पता है कल हम सब लोग ट्रिप पर जा रहे हैं कॉलेज की तरफ से। अच्छा सच्ची में यार मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ बाबा हमें पता था कि तुझे नहीं पता है तो इस वजह से ही हमने तुझे इधर बुलाए हैं यह बताने के लिए, और हमने यह सोच लिया है कि तुम भी हमारे साथ कल ट्रिप पर जाएगी, हम तेरा कोई बहाना नहीं सुनेगी। यार तुम लोग चली जाओ ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। ईशानी हमने पहले ही बता दिया है तुझे कि हम तेरे बिना नहीं जाएंगे, अगर तू नहीं जाएगी फिर हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है बाबा चले जाएंगे हम सब कल ट्रिप पर, अभी तुम लोग खुश होना। हाँ यार बहुत ज्यादा खुश हुए, चलो इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी मनाते हैं आइसक्रीम वाली। यानी जैसे ही अपनी फ्रेंड लोगों को ऐसा बोलती है तो उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही सब लोग फिर चली जाती है आइसक्रीम खाने के लिए। ऐसे बोल के जो ईशानी और इसकी फ्रेंड होती है वो चली जाती है आइसक्रीम खाने के लिए। फिर वो लोग आइसक्रीम ले लेती हैं, लेके वो आइसक्रीम खाने लग जाती है। तीनों साथ में आइसक्रीम खा रही होती हैं।
फिर तीनों एक जगह पर आके खड़ी हो जाती हैं। फिर उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है, ईशानी ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, पार्टी भी कर ली है हम लोगों ने, हम सुबह से पार्क में आए हुए हैं, कल ट्रिप पर जाने के लिए तैयारी भी करनी है तो अभी लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं, हम सुबह से तेरा पार्क में वेट कर रहे थे, अभी तुम भी घर जाओ और तुम भी तैयारी स्टार्ट कर ले और कल टाइम से आ जाना बस में, ओके ना। जो ईशानी की फ्रेंड होती है वो ईशानी को इस तरह बोलती है, ऐसे बोल के वो फिर दोनों चली जाती हैं अपने अपने घर को। जो हमारी ईशानी होती है वो आके पार्क में बैठ जाती है कुछ बच्चों के साथ, थोड़ी देर तक वो उनके पास बैठी होती है, फिर वो भी वहाँ से उठ के घर की तरफ चलना स्टार्ट कर लेती है। जो हमारी ईशानी होती है वो पार्क से बाहर आ रही होती है, फिर वो थोड़ी देर तक ऐसे ही रोड में चलती रहती है, फिर वो फाइनली घर पहुँच जाती है। घर में जैसे ही वो अंदर जाती है तो ईशानी जो होती है वो फिर अपनी मम्मी के पास जाती है, जाके अपनी मम्मी को बोलने लगती है, मम्मी मेरी फ्रेंड लोगों ने मुझे पार्क में बुलाया था और बोल रही थी कि कल हमारे कॉलेज की तरफ से ट्रिप है और मुझे कल ट्रिप पर जाना है, मम्मी मुझे सुबह जल्दी उठा लेना। जो हमारी ईशानी होती है वो फिर अपनी मम्मी को ऐसा बोलती है, ऐसा बोल के फिर वो अपनी रूम में चली जाती है। हमारी ईशानी फिर रूम में आ जाती है, ईशानी रूम में खड़ी हो जाती है और खड़ी होके फिर वो बोलती है, ऐसा करती हूँ अपने लिए ड्रेस निकाल लेती हूँ, ड्रेस रेडी वगैरह करके छोड़ दूंगी, सुबह पहन कर चली जाऊंगी, नहीं तो सुबह टाइम नहीं रहेगा। ऐसा बोल के फिर जो हमारी ईशानी होती है वो अपने लिए ड्रेस निकालने के लिए चली जाती है। हमारी ईशानी जो होती है कबर्ड में जाके अपने लिए ड्रेस देख रही होती है, फिर वो अपने लिए ड्रेस निकाल लेती है। अपने लिए ड्रेस लेकर करके जो हमारी ईशानी होती है वो खड़ी हो जाती है, फिर वो बोलती है, ड्रेस तो मैं सेलेक्ट कर ली है, बस सुबह पहन के चली जाऊंगी, मेरा काम तो खत्म हो गया है, अभी जल्दी से प्रीत को कॉल करूं, उसको भी पिकनिक के लिए राजी करूं। ऐसा बोल के जो हमारी ईशानी होती है वो फिर चली जाती है बेड पे। फिर जो हमारी ईशानी होती है वो हाथ पे फोन पकड़ती है और फोन पकड़ के हमारी प्रीता का नंबर डायल करने लग जाती है। नंबर डायल करके फिर वो हमारी प्रीता को कॉल करने लग जाती है। दूसरी तरफ जैसा कि हम लोग देखते हैं जो हमारी प्रीता होती है उसको तो कुछ होश ही नहीं होता है, वो अपने बेडरूम में सो रही होती है आराम और सुकून के साथ। हमारी प्रीता होती है वो ऑफिस से बहुत ज्यादा थक जाती है, ऑफिस से आके वो सो जाती है। प्रीता हमारी ऐसे ही आराम और सुकून के साथ सो रही होती है और उसके पास में पड़ा हुआ फोन वो फिर रिंग करने लग जाता है। फोन रिंग होने की वजह से हमारी जो प्रीता होती है वो फिर उठकर बैठ जाती है। प्रीता गुस्से में उठती है और फिर उठ के बोलती है, उफो कौन है जो अभी मुझे कॉल कर रहा है, सारी मेरी नींद खराब कर दी है। ऐसा बोल के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और उठ के फिर जो हमारी प्रीता होती है वो उठती है और उठकर बैठ जाती है और फोन देखने लग जाती है। जैसे ही फोन देखती है तो हमारी ईशानी की कॉल होती है, फिर जो हमारी प्रीता होती है वो एकदम से कॉल उठा लेती है। फिर दूसरी तरफ हमारी ईशानी होती है वो फिर बोलती है, हेलो प्रीता कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, क्या तुम सो रही थी? हाँ मैं सो रही थी, तुम्हारी कॉल आई तो मैं उठ गई। इसका मतलब है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? नहीं कोई बात नहीं। प्रीत आपने अभी तक खाना खाया है कि नहीं खाया, ऐसे ही सो रही हो? हाँ हाँ मैं खाना खा के सुई थी, जैसे ही मैं ऑफिस से आई तो ऑफिस से बहुत ज्यादा थक गई थी, फिर मम्मी ने मुझे खाना ला के दिया, मैं रूम में ही बैठ के खाना खा के फिर पे अलिफ कर सो गई थी। जो हमारी ईशानी और प्रीता होती है वो ऐसे ही एक दूसरे से बात कर रही होती है। काफ़ी देर तक हमारी ईशानी और प्रीता एक दूसरे से बात करती रहती है, उनको पता ही नहीं चलता है। सो फ्रेंड, देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है, क्या जो हमारी ईशानी है वो हमारी प्रीता को पिकनिक के लिए राज़ी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। फ्रेंड मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें। आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी मिस्टेक नज़र आए, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो आप मुझे बताओ, मैं उसमें चेंजिंग लाने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।